हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेड्डीज क्लासरूम में। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ और फिट होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने कवर किया था SSB के बारे में, फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस के बारे में, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पीछे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, PNB पंजाब नेशनल बैंक। तो उनके तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है, SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का पोस्ट है। तो जैसे कि मैंने बोला स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, तो उन ऑफिसर्स के अंदर क्या क्या पोस्ट है वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे, सारा डिटेल में जानेंगे। तो 240 पोस्ट निकला है, तो सब कुछ डिटेल में जाने के आगे वीडियो में। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। वेलकम टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियाज नंबर वन जॉब प्रिपरेशन वेबसाइट Adda247 बैंकर सेक्शन से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अबाउट PNB पंजाब नेशनल बैंक SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट फॉर 240 वैकेंसीज दे दिया गया है। तो आगे हम लोग और इन्फॉर्मेशन जानेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे क्या क्या दिया है। सो आइए देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ पब्लिश्ड PNB स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दे दिया गया है www.pnbindia.in। तो ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कैसे PNB वर्क करते हैं, क्या क्या अपडेट आया है वहाँ पे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। द वैकेंसीज आर अनाउंस फॉर ए टोटल ऑफ 240 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। द ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 24 मई 2023। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 24 मई 2023 से आपका अप्लाई डेट खुल गया था रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे एंड द अप्लाई लिंक विल बी एक्टिव टिल 11 जून 2023। इसका मतलब है 11 जून 2023 इज़ द लास्ट डेट। तो आपका जो लास्ट डेट होगा 11 जून, तो 24 में से 11 जून, तो है आपके पास अभी भी दिन, अराउंड 17 to 18 डेज है आपके पास। आप लोग सारा डिटेल जान लीजिए, उसके बाद अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है PNBSO डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF। तो यहाँ पे PNB की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF निकला था, तो उसका लिंक यहाँ पे नीचे है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है वो खुल जाता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है PDF मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये देखिए सारा इंपॉर्टेंट डेट्स तो यहाँ पर दे दिया गया है, प्लस यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट, इंडिविजुअल पोस्ट में ग्रेड दिया गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज पर पोस्ट में कितना वैकेंसीज है, प्लस पे स्केल कितना है आपका, सैलरी कितना मिलेगा आपको, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं डिटेल ऑफ रिजर्वेशन, तो कौन सा पोस्ट में कितना कितना रिजर्व है, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन PDF में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल आपका 82 या 32 है, मतलब कुछ पेजेस है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल है 32 पेजेस। अच्छा, तो 32 पेजेस है। तो ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, तो मतलब A to Z आपको सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप PDF के थ्रू जाइए, क्योंकि मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है करूँगा फिर भी मतलब PDF में मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था नोटिफिकेशन PDF। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ओवरव्यू, थोड़ा और डिटेल में दिया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब नेशनल बैंक। एग्ज़ाम नेम, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका नाम होगा PNBSO एग्ज़ाम 2023। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, वैकेंसीज़ है 240 वैकेंसीज। कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है बैंक जॉब, बहुत अलग अलग कैटेगरी का जॉब होता है, जैसे हो गया डिफेंस जॉब, इंजीनियरिंग जॉब, टीचिंग जॉब, तो ये पंजाब नेशनल बैंक का है तो बैंक जॉब। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा MCQ, तो उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका होगा इंटरव्यू 1-to-1। तो इंटरव्यू में क्वालिफाई होता है तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन डेट, तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन निकला था 24 मई 2023। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का। सो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स, तो डेट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था दोस्तों। तो 24 मई को स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट है 11 जून 2023। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, PNBSO रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा आपका,
जुलाई 2023, सेकेंड जुलाई 2023 को आपका होगा एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, इसलिए आप लोग को एक चीज़ आसानी होगा कि आप लोग तैयारी मतलब कर सकेंगे। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे इंटरेस्टेड है तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है लेकिन टाइम है आपके पास अभी भी अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड जुलाई को होगा आपका एग्ज़ाम 2023 PNBSO का। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन PNBSO रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन। तो आप लोग अभी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आप लोग कहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिंक दिया गया है नीचे। सो दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा घर एकदम ट्रांसपोर्टेशन एरिया मतलब रोड के पास ही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिंक जो था उसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो रजिस्ट्रेशन पेज है यहाँ पे खुल गया है। अगर आपने पहले अप्लाई किया था PNB का तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की मतलब नहीं करने से भी चलेगा, यहाँ पे आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अप्लाई करेंगे तो लिंक में क्लिक करके जा सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है वैकेंसीज, SO वैकेंसीज। तो इंडिविजुअल पोस्ट का इंडिविजुअल वैकेंसीज है। तो सबसे पहले ऑफिसर्स क्रेडिट का है 200 वैकेंसीज, ऑफिसर्स इंडस्ट्री 6 वैकेंसीज, ऑफिसर सिविल इंजीनियर 5, ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 4, ऑफिसर आर्किटेक्ट तो यहाँ पे है 1 वैकेंसीज, ऑफिसर इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे है 6 वैकेंसीज, मैनेजर इकोनॉमिक्स यहाँ पे है 4 वैकेंसीज, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट यहाँ पे है 3 वैकेंसीज, सीनियर मैनेजमेंट डाटा साइंटिस्ट 2 वैकेंसीज, सो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 4 वैकेंसीज, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में है 3 वैकेंसीज। तो ये दोस्तों सारा नेमो पोस्ट प्लस वैकेंसीज यहाँ पे मिला के आपका होता है 240 वैकेंसीज। ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता चल गया किस तरह से बना 240 वैकेंसीज। सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस। अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक चार्ज लिया जाएगा, तो वो कितना लिया जाएगा, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 59 लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 59 जो है उसमें आपका 50 है मेन, लेकिन प्लस 18% GST कट जाएगा, इसलिए टोटल बन जाएगा 59 रुपीज़। एंड अदर में आपका आएगा एस मतलब जनरल OBC EWS कैंडिडेट, तो उनके लिए होगा 1180। बाप रे, सीधा 59 से ज़्यादा ही हो गया या तो, मतलब आपका 1000 है रियल, लेकिन प्लस 18% GST भी कट जाएगा, इसलिए 1180 आपका होगा एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है दोस्तों, आप लोग अप्लाई करने के टाइम इतना तो मतलब ले ही जाए लेके जाइएगा, नहीं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप लोग कैसे एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया है, हर इंडिविजुअल पोस्ट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। तो ऑफिसर्स क्रेडिट के लिए क्या है दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए अच्छे से देखिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो CA का चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, यहाँ पे देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA का डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और भी है यहाँ पे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA, और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MBA PGDM इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज अप्रूव बाय, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव भी होना चाहिए, यहाँ पे AICTE है तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और UGC है तो UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो उनके अंडर होना पड़ेगा, मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपका है तो अभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे उस पोस्ट में। ऑफिसर्स इंडस्ट्री में क्या क्या चाहिए, फुल टाइम डिग्री इन BE बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, BTech इन स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल मैकेनिकल सिविल टेक्सटाइल माइनिंग, ये है मेटलर्जी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, बाकी सेम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका 60% मार्क्स चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हर किसी में आपका पोस्ट में आप लोग देखने के लिए मिलेगा आपको 60% मार्क्स चाहिए,
सिर्फ आपका चेंज होगा आपका जो डिग्री है जो जिस पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियर के लिए क्या क्या चाहिए, फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी फिर से सेम है, आपका 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक और इक्विवेलेंट इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज, यह भी सेम है, अप्रूव बाय गवर्नमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क। तो 60% मार्क तो आपको चाहिए ही, अगर आपका नहीं है, आपका डिग्री है फिर भी 60% नहीं है, फिर भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ऑफिसर आर्किटेक्ट का, तो फुल टाइम डिग्री इन बी आर्क बैचलर्स इन आर्किटेक्ट होगा ये, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यू अप्रूव, ये भी सेम है फिर से 60% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो वही रिलेटेड पोस्ट के लिए रिलेटेड आपका डिग्री चाहिए प्लस 60% मार्क चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर्स इकोनॉमिक, ऑफिसर इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे उसके लिए चाहिए फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज मेन सब्जेक्ट, तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट होना पड़ेगा, फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन अगर आपने इकोनॉमिक्स में किया है तो आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। मैनेजर इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी सेम है। ठीक है दोस्तों, फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स एज मेन सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, तो यहाँ पे देखिए फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी 60% मार्क आपको चाहिए। तो ये है रहा डिग्री, और उसमें आपका 60% अगर है तो आप मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट देखिए दोस्तों सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, सॉरी गाड़ी आ गया है, हाँ, फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर साइंस में चाहिए सब कुछ, प्लस 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम डिग्री इन एमसीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज, यही सेम फिर से 60% मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यही अगर आपको मतलब अच्छे से जानना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया है आपको, तो आप लोग डिटेल में जानना है तो पीडीएफ के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम डिग्री इन एमसीए, तो वही है फिर से यहाँ पे भी 60% मार्क है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम चल गया है कि जो जिस पोस्ट में जो इंडिविजुअल पोस्ट है वहाँ के लिए उससे रिलेटेड आपका डिग्री चाहिए प्लस 60% मार्क चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे एज लिमिट, तो एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि आप लोग एलिजिबिलिटी के लिए एज लिमिट भी आता है, तो ऑफिसर्स क्रेडिट के लिए 21 ईयर्स से 28 ईयर्स के अंदर होना पड़ेगा, ऑफिसर्स इंडस्ट्री 21 से 30 ईयर्स, सो ऑफिसर सिविल इंजीनियर 21 ईयर्स से आपका 30 ईयर्स ऑफ एज, ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 21 ईयर्स से 30 ईयर्स ऑफ एज, इसका मतलब आपका 21 से 30 ईयर्स के अंदर होना पड़ेगा, ऑफिसर आर्किटेक्ट 21 से 30 ईयर्स, ऑफिसर इकोनॉमिक्स 21 से 30 ईयर्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मैनेजर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एज चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस लोग चाहिए उनको मैनेजर इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे नेक्स्ट है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है मैनेजर इकोनॉमिक्स का, तो अगर आपका 25 ईयर्स नहीं हुआ है तो आप लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स में एलिजिबल नहीं होंगे। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 25 से 35 ईयर्स, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट 27 से 38 ईयर्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 25 से 35 ईयर्स, और लास्ट में है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 27 ईयर्स से 38 ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या जानने के लिए मिला कि जो एज है यहाँ पे देखिए, जैसे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है उनका जो फर्स्ट मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, और नीचे जो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है वहाँ पे 27 ईयर्स है। इसका मतलब जो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का है वो लोग जिसका एज 25 है या फिर 26 है वो लोग सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एज ही 27 है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए एज लिमिट इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सो नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे तो आपको मिल जाएगा जॉब। सो नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न भी दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पार्ट वन में है आपका रीजनिंग, रीजनिंग में है 25 क्वेश्चन प्लस 25 मार्क्स, इसका मतलब आपका पर क्वेश्चन एक मार्क है। तो टोटल आपका जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट मिलेगा। तो रीजनिंग में सिर्फ नहीं, मतलब ज़्यादा सब जो सब्जेक्ट है पार्ट वन पार्ट टू, तो सब कुछ मिला के आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, तो 25 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन होगा। पार्ट टू में आपका प्रोफेशनल नॉलेज भी आएगा, आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा। तो पार्ट वन पार्ट टू 100 क्वेश्चन मिला के आपका टोटल होगा 200 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स पर क्वेश्चन, आपका एक मार्क, और टोटल आपका मिलेगा 120 मिनट, मतलब 60 मिनट 2 घंटा। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तो एग्ज़ाम का डेट मैंने आपको बता दिया था 2 जुलाई को होगा। सो नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैलरी के बारे में। तो आपका पर पोस्ट, मतलब हर इंडिविजुअल पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये वाला सैलरी का जो है ये मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं या आप अभी भी अच्छे से देख सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के ही रखिए, क्योंकि बहुत लोग सैलरी देख के भी जॉब अप्लाई करते हैं, तो इसको एक मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, पे स्केल है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं या फिर अभी भी देख सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का नया रिक्रूटमेंट पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, SO का रिक्रूटमेंट है, स्पेशल ऑफिसर का। तो सब कुछ डिटेल मैंने आपको दे दिया है, सब कुछ इम्पोर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, जो नोटिफिकेशन PDF है। और अगर आपको जानना है कि ये मैंने कौन सा वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, Adda247 का है, बैंकर सेक्शन से। तो दोस्तों यही था आज का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, सो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आ गया होगा। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नोटिफिकेशन PDF के थ्रू जा सकते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऑल ओवर इंडिया से, जहां से मैं नया रिक्रूटमेंट आता है, आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आता हूं। तो यही था आज के लिए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।